पे सिंपल आप लोगों ने लिखना है लोकल बाय फ्लाई व्हील। तो सिंपल ये आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे आप लोगों के पास फर्स्ट वेबसाइट आएगी, सिंपल इसको लोग इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है डाउनलोड फॉर फ्री। यहाँ पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है, यहाँ पे मेरे पास मैक है तो मैं मैक चूज़ करूँगा, आप लोगों के पास और कोई है तो आप क्या कर सकते हैं और यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं विंडोज़ या जो भी है। ओके, तो मेरे पास मैकबुक है तो मैं यहाँ पे चूज़ करके अपनी डिटेल्स दूंगा और यहाँ पे जो है इसको डाउनलोड गेट इट नाउ पे क्लिक कर दूँगा। गेट इट नाउ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी जो डाउनलोडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें जो सेटअप है वो मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। सिंपल मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, आप विंडोज़ के ऊपर यूज़ करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी उनको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे एग्री करने के बाद। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं इस तरह से इसको इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट आ चुका है, तो आप लोगों की विंडोज स्क्रीन के ऊपर भी इसी तरह से शॉर्टकट आ जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए तो ये आ चुका है आप लोगों की विंडोज़ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर ये शॉर्टकट बन के आ जाएगा। जस्ट आप लोगों ने डबल क्लिक करना है और वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखें ये कह रहा है क्रिएट अ फ्री अकाउंट, आप चाहें तो अकाउंट क्रिएट फ्री कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अकाउंट जो है वो फ्री नहीं क्रिएट करूँगा। सिंपल मैंने उसको कट कर दिया, इसको मैं नो थैंक्स कर दूँगा, अगेन इसको नो थैंक्स कर दूँगा और यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू साइट। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्रिएट अ न्यू साइट पर क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, यहाँ पर वेबसाइट का नेम दूँगा, लेट्स सपोज ओके। यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शन है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा एज अ बिगनर इनको आप छेड़ें। तो सिंपल आप लोगों ने नेम एंटर करना है, यहाँ पे प्रेफर्ड पे ही क्लिक करना है, आप लोग कस्टम पे आके स्पेसिफिक पीएचपी वर्जन, वेब सर्वर और डेटाबेस चूज़ कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप प्रेफर्ड के साथ ही जाएँ। सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया और यहाँ पर मैं यूज़र नेम डालूँगा, लेट्स सपोज यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे ओके। तो इस मेल को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, आप चाहें तो अपनी ईमेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो और यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, मल्टी साइट आप इसको रहने दें, नो ही रहने दें और सिंपल क्लिक कर दें ऐड साइट पे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे, तो हम तब तक वेट कर लेते हैं। ओके, तो थोड़े से वेट के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वर्डप्रेस कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देखें ये एक साइट है जो साइट का हमने नेम दिया था और यहाँ पे ग्रीन का मतलब ये है कि ये वेबसाइट जो है वो रनिंग कंडीशन में ये एक्टिव है। तो इसको आप एक्सेस किस तरह से करेंगे, सिंपल आप इस पर ओपन साइट पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखें ये हमारा जो है एड्रेस है। इसको आप किसी भी लैपटॉप के अंदर, आपके पास इंटरनेट नहीं भी होगा तो तब भी किसी भी लैपटॉप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके ये वाला एड्रेस डालेंगे, हर किसी का एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगा तो आपकी वेबसाइट चल जाएगी। इसके आगे आप लोगों ने wp-admin लिखना है, एडमिन लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। हमने जो इंस्टॉल करते हुए यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया था वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और हमारा जो वर्डप्रेस है वो लॉगिन हो जाएगा बैकएंड पे, राइट। तो यहाँ पे देखें हमारा वर्डप्रेस लॉगिन है, अब यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे आप यहाँ से डायरेक्टली wp-admin भी एक्सेस कर पाएंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे देखें अगर मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये रेड हो रहा है, तो मैं अगर इस वेबसाइट को स्टॉप करना चाह रहा हूँ या इसको रनिंग कंडीशन में नहीं ऐड करना चाह रहा तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, या फिर यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँगा तो ये जो वेबसाइट है वो स्टॉप हो जाएगी। समटाइम आपका URL वर्क नहीं कर रहा होगा, आप लैपटॉप बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो इसको आपने ज़रूर देख लेना, तो इसको स्टार्ट साइट करेंगे तभी आपकी वेबसाइट जो है वो लोड होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, इनको अभी आप ना छेड़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास साइट फोल्डर है, अगर आपने
इस वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स हैं उनको एक्सेस करना है, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को इस साइट की तमाम जो है फाइल्स वो नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे देखें वो है, और यहाँ पे देखें ये सारी वर्डप्रेस की फाइल्स यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। यहाँ पे SQL है, आपका डेटाबेस है, तो इनको अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आप लोग लोकल इन्वायरमेंट के अंदर अपने लैपटॉप के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको किसी भी तरह के डोमेन होस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको स्टिल डोमेन होस्टिंग चाहिए बहुत ही सस्ते में, सिर्फ $10 के अंदर डोमेन और होस्टिंग फॉर 1 ईयर किसी भी एक्सटेंशन में .com, .net, .org किसी भी एक्सटेंशन में डोमेन होगी जो भी आप कहेंगे, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर बहुत ही अच्छी प्राइसेस के अंदर एक अच्छी डोमेन और होस्टिंग फॉर 1 ईयर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।